कहाँ से आ रही हूँ, कहाँ गई थी? एनी, तुम्हारा एडमिशन हो गया? मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही थी, लेकिन मुझे यकीन भी था कि तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। कैसा एडमिशन, क्या हो रहा है ये? कहाँ गई थी तुम, कुछ बताओगी मुझे? खाला, वो एक्चुअली एनी अपनी तालीम दोबारा शुरू करना चाहती है। बाजी से पूछे बगैर? हाँ, तो वो शाम में आएंगी तो पूछ लेगी एनी उनसे। अच्छा, सब कुछ करने के बाद पूछने का क्या फायदा? हाँ, हद है, ये लड़की तो बिल्कुल हाथों से ही निकल गई है। सास को तो खातिर में ही नहीं लाती। तो आपको भी कौन सा खातिर में लाती है? जवाब तक देना उसने मुनासिब नहीं समझा आपको और चली गई ऊपर। खाला, मैं समझाऊंगी उसे। पहले तुम खुद तो समझ लो। फौजिया से तंग तो नहीं किया तुम्हें? नहीं मैम, इन्होंने बिल्कुल भी तंग नहीं किया। मैंने इन्हें मसाज किया, इन्हें नलाया, इन्हें फीडर पिलाया और इन्हें सुला दिया। बहुत ही अच्छा बच्चा है। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी इसकी। ला मुझे दो। एमल आई थी? जी मैम, वो इन्हें अपने रूम में ले गई थी। जब इनके सोने का टाइम हुआ तो मैं इन्हें ले आई थी। मैम, एक बात कहूँ मैं? मुझे लगता है आपकी बहन को मेरा दखल अंदाजी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, उमर से बहुत प्यार करती है वो, इसीलिए ज्यादा सोच रही होगी। ठीक है, हो सकता है। मैम मुझे इजाजत दीजिए, मैं अब जाती हूँ। खुदा हाफिज़।